वेलकम टू आवर चैनल आई टी आई एम सी क्यू गुरु आज हम मैकेनिक डीजल ट्रेड का टॉपिक सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस के प्रश्न का अभ्यास करेंगे अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिए यहाँ आपको हर ट्रेड के टॉपिक वाइज एमसीक्यू और सीबीटी पेपर सोल्यूशन मिलेगे जी इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है क्वेश्चन मिकल हेजर्ड कौन सा रासायनिक खतरा है राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सप्लोसिव विस्फोट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हेजर्स इन्वॉल्व टॉक्सिक किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है राइट आंसर ऑप्शन डी केमिकल हैजर्ड रासायनिक खतरा क्वेश्चन विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है राइट आंसर ऑप्शन बी रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म अनुपस्थिति को कम करना क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर्स द वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है राइट आंसर ऑप्शन है पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा क्वेश्चन विच इज दी ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हैजर्ड व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है राइट आंसर ऑप्शन सी अनगार्डेड मशीनरी गैर पंजीकृत मशीनरी क्वेश्चन विच इज द बायोलॉजिकल है जैविक खतरा कौन सा है राइट आंसर ऑप्शन सी इन्फेक्शन संक्रमण क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज फॉर फ्लैमेबल लिक्विड फायर ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है राइट आंसर ऑप्शन है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्वेश्चन Which type of personal प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल loads विथ रफ surfaces एंड पॉन्टेड projections? किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है राइट right answer ऑप्शन डी लेदर gloves. चमड़ा के दस्ताने क्वेश्चन विच इज टॉक्सिक इन दोबाइल वर्कशॉप ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है राइट आंसर ऑप्शन बी यूज लूब्रिकेंट इस्तेमाल किया स्नेहकस इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड क्वेश्चन विच इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बोर्न डस्ट इन वर्कशॉप कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है राइट आंसर ऑप्शन डी थ्रोट इन्फेक्शन गले में तकलीफ क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना है राइट आंसर ऑप्शन बी वैक्यूम क्लीनर क्वेश्चन वॉट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है राइट आंसर ऑप्शन है गॉगल चश्मा क्वेश्चन विच डिस्टेंस इज नोन एस व्हील बेस ऑफ द व्हीकल किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है राइट आंसर ऑप्शन सी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील्स आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है राइट आंसर ऑप्शन सी रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की कलाई क्वेश्चन हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कार्स राइट आंसर ऑप्शन है कवरिंग विथ वॉटर पानी से ढका हुआ क्वेश्चन वॉट इज फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा क्या है राइट आंसर ऑप्शन डी इट इज एन इमिडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है क्वेश्चन वॉट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिक शॉप विकम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कॉन्डक्टर यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी मेक श्योर द पावर इज टर्नड ऑफ सुनिश्चित करे कि बिजली बंद है क्वेश्चन विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व लिक्विफाइड गैसेस अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है राइट आंसर ऑप्शन सी क्लास सी कक्षा सी क्वेश्चन विच फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास सी फायर सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य है राइट आंसर ऑप्शन है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर सूखा पाउडर आग बुझाने का यंत्र क्वेश्चन विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेटिंग कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है राइट आंसर ऑप्शन डी स्मोदरिंग क्वेश्चन विच क्लास ऑफ फायर वुड अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है राइट आंसर ऑप्शन है क्लास ए फायर कक्षा ए आग क्वेश्चन हाउ द वेस्ट ऑल इज डिस्पोज अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जा रहा है राइट आंसर ऑप्शन डी कलेक्ट वेस्ट ऑल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर्स अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंसम्प्शन बाई रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विथ न्यू लेड नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है राइट आंसर ऑप्शन डी कॉन्सर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण क्वेश्चन विच इज द मेजर एनर्जी कॉन्जर्वेशन ऑपरचुनिटीज ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं राइट आंसर ऑप्शन डी रिप्लेसमेंट मशीनरीज जी कॉन्जर्वेशन कम्स अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार का ऊर्जा संरक्षण आता है राइट आंसर ऑप्शन सी मीडियम एनर्जी कॉन्जर्वेशन ऑपरचुनिटीज मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ एनर्जी कॉन्जर्वेशन ऑपरचुनिटी इन्वॉल्व स्टॉपिंग ऑफ वॉटर लीकेज पॉइंट किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है राइट आंसर ऑप्शन डी माइनर एनर्जी कॉन्जर्वेशन ऑपरचुनिटीज लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर क्वेश्चन विच इज मीडियम एनर्जी कॉन्जर्वेशन ऑपरचुनिटीज मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से हैं राइट आंसर ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड एप्लायसेस मौजूदा हाउस होल्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल आई टी आई एम सी क्यू गुरु कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें लाइक शेयर और कमेंट भी करें हमारा अगला टॉपिक है मेजरिंग मार्किंग एंड प्रैक्टिस